मिजात्रा अब्दुल्ला हर ध्रुव मुबारक इधर उधर और अब्दुल्ला भाई भी लोग सब्सक्राइब के और हाइक के और फेसबुक कमेंट भी लोग घर ना दे टक्की भाई ना दे अब्दुल्ला भाई मख ना दे अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला व्लॉग साबित के साथ जी। तो नाज़रीन कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और आज फिर पार्ट टाइम जॉब पे व्लॉग बना रहा हूँ और एक शादी का बड़ा ऑर्डर है तो शादी का ऑर्डर लेके जाने वाला हूँ। 600 से 700 अफराद का आज खाना है और स्पेशल खाना है, एक गाड़ी तकरीबन जो है ये खाने की लोड हो चुकी है। ये जी खाना अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है, भट्ट साहब और रहमान आगे चाचा की गाड़ी में अभी यहाँ पे खाना उतारते हैं और आपको मैं अंदर भी लेकर चलता हूँ। मेरे घर में सर्विस है जो शादी हाल है उनकी खुद की है। इस्माइल भाई यहाँ पे मेहमानों को वेलकम करने के लिए खड़े हैं, तो मिलते हैं इनसे क्योंकि परमिशन भी लेनी है वीडियो बनाने की। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत है भाई, तबीयत ठीक है आपकी? सर वीडियो शूट कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। जज़ाकअल्लाह। और आपके माशाल्लाह माशाल्लाह आपके भाई की शादी है? वलीमा है। पहले तो हमें ना आप दूल्हा का नाम बताएं, दूल्हा का क्या नाम है? आदिल खान। आदिल खान, और आपसे छोटे हैं या बड़े हैं? नहीं मेरे से छोटे हैं। मेरे आपसे छोटे हैं। आप कितने भाई हैं? हम तीन भाई हैं। चले माशाल्लाह। और आप इधर गुलशन मेमार में रहते हैं या किसी और? गुलशन मेमार में। और अभी खाना जब सर्विस लग जाए ना, उस खाने का एक तो रिव्यू जरूर करना है, किस तरह सेलिब्रेट करते हैं? माशाल्लाह हम लोग तो ये रोटी जो है हमारा खड़ा भूसा ये बड़ा मशहूर है खानों में। अच्छा। और हमारे जो रिवायत में अतरने वो अच्छा। और वो होगा आज? हाँ इंशाल्लाह वो जरूर होगा। और खाने के बाद होता है या पहले होता है? नहीं खाने के बाद करेंगे। अच्छा। वो अतरन में फिर ये ना कि एक तो रोटी भी हजम हो जाती है। अच्छा। और थोड़ा बंदा रिफ्रेशमेंट। सही। और ये सब जितने मेहमान आने वाले हैं ये अतरन में शामिल होंगे? हाँ इंशाल्लाह, बस ये जवानों का जो सही सही दिल जवान है इंशाल्लाह वो नाचेगा और बंदे का भी काम नहीं है। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया। और अभी मेरे साथ चलेंगे, मुझे जरा दूल्हा से मिलवाएंगे, अभी अंदर जाके दूल्हा से भी मिलते हैं। बिल्कुल, आप गपशप लगा लो रिश्तेदारों से भी हमारे। ठीक है यार, तो आए हुए। ठीक है ठीक है, सबके साथ मुलाकात कर लो, गपशप लगा लो। चले ठीक है, अभी जो है हम चलते हैं। और ये रॉयल गोल्ड बैंक्वेट और ये है गुलशन मेमार में। चले ठीक है, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना हुआ है। अभी हम इस्माइल भाई के साथ अंदर जाते हैं और ये सब मेहमान जो है इनके अभी कुछ मेहमान आ चुके हैं और कुछ अभी आ रहे हैं और इंशाल्लाह अभी अंदर पहुंच के आपको दूल्हा से भी मिलाते हैं। और माशाल्लाह से जी ये पूरी फैमिली जो है मेहमानों को वेलकम कर रही है, गेट पे खड़े होते हैं। और अभी आपको मैं दूल्हा से भी मिलवाता हूँ और एंट्रेंस पे जो है ना इन्होंने बड़ा ये खूबसूरत एक डेकोरेशन की बना के रखा है, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ। रॉयल गोल्ड माशाल्लाह। इस्माइल भाई और उनके दोस्त हैं ये इधर कर चुके हैं और दूल्हा जो है वो स्टेज पे मौजूद है। अब क्या खूबसूरत शादी हाल है। मेहमान पकवान, क्योंकि खाने की सर्विस मेहमान पकवान की तरफ से है। ये जुबैर भाई हैं यहाँ पे, तो वो
इस्लामाबाद से बता रहे हैं कि इस्लामाबाद से माशाल्लाह। और ये आज आए हैं या आज ही आए? आज ही आए। सर कैसे हैं आप? ठीक है। और ये जुबैर भाई हैं, ये इस्लामाबाद से आए हुए हैं। जुबैर भाई आपका सफर कैसा रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप बाय रोड आए हैं या बाय? नहीं, फ्लाइट से आए। फ्लाइट सफर सही रहा आपका? जी जी अल्लाह। और कब पहुंचे कराची में? कल पहुंचा था। कल पहुंचे आफ्टरनून से वाली में आए हैं। और इस्माइल भाई ने इनवाइट किया है। सही चले माशाल्लाह। और कराची आके कुछ कैसा लगा? कराची के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे? कराची तो मेरी फेवरेट है। अच्छा। और मुझे अच्छा लगता है, हर साल मैं आता जाता हूँ। आते जाते रहते? जी जी हाँ। सही। और रहते इस्लामाबाद में या उससे आगे कहीं? नहीं, इस्लामाबाद में रहते। इस्लामाबाद में रहते जी हाँ। चले माशाल्लाह। और बस मैसेज तो यही है कि अल्लाह पाक इनको खुश रखे और आदिल भाई की न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली है। अच्छा। तो दुआ करते हैं कि वो हमेशा खुश रहे और उनको आपस में माशाल्लाह भाई जा रहे, हमेशा सलामत रहे। तो यही आपका इस्माइल भाई लोगों के साथ दोस्ती का रिलेशन है या? जी हाँ, दोस्ती का रिलेशन है और ये पिछले 10-12 साल से है। माशाल्लाह। जी हाँ। दूल्हा को मुबारकबाद देना चाहेंगे? जी हाँ, अभी तक मिला भी नहीं। और आदिल भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो और इंशाल्लाह से मिलेंगे। जज़ाकअल्लाह। क्या खूबसूरत जगह ढूंढी है इन्होंने वलीमा के लिए माशाल्लाह। और ये मेहमान अभी आ रहे हैं और अभी मेहमान पूरे नहीं आए, कंप्लीट जब हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह खाना जो है वो सर्विस लगाएंगे। और अभी खाना सर्विस लगता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ है यहाँ। अल्लाह जी, मटन कढ़ाई, क्या बात है, मेहमान पकवान की मटन कढ़ाई चेक करो। माशाल्लाह क्या लजीज कढ़ाई है, क्या खूबसूरत कढ़ाई, मटन कढ़ाई। मेरे ख्याल में नमकीन राइस है जिसके साथ मेरे ख्याल में रोस्ट टाइप का गोश्त होगा। ये थाल यहाँ पे लगा लगा के रखना शुरू कर दिए और ये इस्माइल भाई निगरानी में खाना लगवा रहे हैं। और ये देखे जी, क्या गर्मा गर्म खाना है माशाल्लाह से। और रिव्यू लाजमी करूंगा जब हमारे जो प्यारे मेहमान आए हुए हैं ना, उनसे लाजमी हम पूछेंगे कि ये खाना कैसा है। लगा लगा लगा। ये भी थाल पूरे भरती है, ये मटन कढ़ाई है और ये भी माशाल्लाह पूरी लग चुकी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत है सर। ये माइक लगा रहे हैं जी। सर नाम बताएं अपना, आप क्या नाम है आपका? इमरान मसूद नाम है। इमरान भाई आप कहाँ से आए? मैं यार सिजावल से आया हूँ। सिजावल से। और इस्माइल भाई दोस्त हैं आपके, रिश्तेदार ये इनके साथ है? इस्माइल भाई तो हमारे भाइयों की तरह दोस्त है। भाइयों की तरह के दोस्त है, यानी कि बहुत गहरा रिश्ता है आपका? जी जी, वरना इतने दूर से कौन चल के आते हैं, हम इतने दूर से। क्या बात है, क्या बात है माशाल्लाह। के दोस्त और इस्माइल भाई ये आ रहे हैं, उनको मुबारकबाद देने के लिए आए सर।
और अभी खाना शुरू हो चुका है, खाना लगा रहे हैं सब वेटर्स। खाना ये भी कोई छोटा खाना नहीं है, कम से कम ये 650 से 700 अफराद का खाना है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह खाना एक्स्ट्रा बहुत है, और ये वेटर्स किस तरह का मैनेज करते हैं ये भी देखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत ज़्यादा बनवाया है, मिकदार काफ़ी है, खान भाइयों ने खाना एक्स्ट्रा है, ये कम से कम 900 अफराद भी खा सकते हैं। सारे वेटर्स जो हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, और साथ में उनके घर वाले भी, सब घर वाले जो हैं ये खाने की सर्विस लगाने में मशहूर हैं। और ये इस्माइल भाई भी पूरी तरह बिजी हैं और खुद देख के आए हैं कि कौन कौन सी टेबल पे खाना है और किस टेबल पे क्या चीज़ मौजूद नहीं है। ये चाह रहे हैं कि हर मेहमान को जो मेन्यू बना है वो पूरी तरह से सर्व किया जा सके और मेहमान नवाजी में कोई कमी ना रह जाए, ये ऐसा चाह रहे हैं। और वेटर्स को, अपने खाना मैनेज करने वालों को ये खुद से हदायत दे रहे हैं कि किसको क्या करना है ताकि खाना अच्छे से अच्छा मैनेज हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत ही एक्स्ट्रा है और खाना पूरा भी हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? यस सर, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आदिल भाई जी, जी ये दोस्त हैं आपके या कजन हैं? ये मेरे कजन हैं। शादी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। और शादी के बाद कैसा फील कर रहे हैं आप? माशाल्लाह से बहुत अच्छा। और माशाल्लाह ये मैंने देखा ये इवेंट है, कितना अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ, और अल्लाह पाक आपको ढेर सारी खुशियां दे और सब ऑडियंस को जो है, सब ऑडियंस की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो शादी, और हमेशा आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे, जजाक अल्लाह। और आपके एक और भाई हैं इस्माइल भाई और आदिल भाई, और आपका दूसरे भाई का क्या नाम है? तुफेल भाई जी। तुफेल, तुफेल भाई, तुफेल भाई कहाँ पे? तुफेल वहाँ बैठा होगा। और वो इस्माइल भाई से बड़े हैं वो या उनसे छोटे? वो मुझसे भी छोटे। वो आपसे भी छोटे हैं? सही सही। उनकी शादी अभी नहीं हुई? नहीं, उनके मेरे पास अभी पढ़ रहे हैं या? अभी अपने इस्माइल भाई के साथ काम पे होते हैं। अच्छा अच्छा। काम के बारे में कि आप क्या करते हैं? बेसिकली हमारा तो इस्माइल भाई का ट्रांसपोर्ट का काम है। अच्छा अच्छा जी। मैं प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी का जी। सही। और कहाँ पे होते हैं आप, बहरिया में या यहाँ पे? मैं में गुलशन मेमार, और इसके मेमार के तकरीबन करीबी सोसाइटी। सही। जो करीबी जो सोसाइटी है मैं इनमें काम करता हूँ। ठीक हो गया। इंशाल्लाह से। और सेल परचेज सिर्फ गुलशन मेमार की करते हैं या उसके अलावा भी कुछ? गुलशन मेमार की भी करते हैं और बाकी करीबी सोसाइटियों के भी करते हैं, और खुद भी माशाल्लाह से इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। अच्छा, यानी कि आप सिर्फ चीजें खरीदते नहीं है, चीजें बना के भी सेल कर रहे हैं? बना के भी सेल। प्रोजेक्ट कोई अभी चल रहा है बड़ा? अभी तकरीबन एक फैजान सिटी है। अच्छा। और दूसरा आरिफ रेजिडेंसी। अच्छा। तो पे हमारा कुछ ज्यादा फोकस है। सही। ये ज्यादा चल रहे हैं। सही। और अगर कोई मेरी ऑडियंस में से आपके पास आता है, इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो आप इन्वेस्ट करवा देंगे, कोई अच्छी चीज मिल जाएगी? अभी इस टाइम इन्वेस्ट का टाइम है या सेल करने का टाइम है? अभी तो इन्वेस्टमेंट का टाइम है। अच्छा। क्योंकि चीजें और प्रॉपर्टी तकरीबन काफी रकम में अच्छी आ रही है। अभी इस वक्त जो हमारा इस पे सबसे ज्यादा फोकस है वो आरिफ रेजिडेंसी। अच्छा जी। बिल्कुल ये नॉर्दर्न बाईपास से करीब आबादी में है, म्यांमार के बिल्कुल ऑपोजिट है। सही। हम इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और हम खुद भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और बाकी भाई वगैरह को, रिश्तेदारों को हम इन्वेस्टमेंट का मौका देते हैं कि आप यहाँ पे मशवरा दें। ठीक है, ठीक है, माशाल्लाह। खाने के बाद इंशाल्लाह अभी हमारे अपना रिवायती प्रोग्राम होगा, जो हम उसको अथन कहते हैं। सही। तो डांस हमारा अपना रिवायती माहौल इंशाल्लाह बनाए। और बिरादरी अपने हिसाब से शादी की खुशी सेलिब्रेट करती है, लेकिन मुझे कुछ ज्यादा पसंद है जब ये खान भाई जो है अपनी खुशियाँ इस तरह सेलिब्रेट करते हैं, तो अच्छा लगता है। अभी खाने के बाद अतन पे मिलेंगे। और माशाल्लाह से ये भाई जिनका इंटरव्यू मैंने पहले किया था, तो ये खुद सब मेहमानों की खिदमत कर रहे हैं और खुश हैं काफी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप?
अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सर, इस्माइल भाई ने जो आपको मेहमान नवाजी की, कैसी लगी आपको ये? बहुत जबरदस्त माशाल्लाह, किस चीज का कमी नहीं है, हर चीज बहुत ज्यादा है माशाल्लाह। अभी फिरने का कमी था अभी लेकर माशाल्लाह। और आपको खाना अभी खा रहे हैं? सबसे ज्यादा पसंद जो डिश आई वो कौन सी? वो सालन है, कढ़ाई, मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई माशाल्लाह। और आदिल भाई और इस्माइल भाई के लिए कोई एक मैसेज छोड़ना चाहेंगे? उसको स्पेशल हम दुआ देते हैं, अल्लाह इसको कामयाब करे, अल्लाह और इसको शादी बहुत बहुत मुबारक हो उसके लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मेहरबानी। सब हमारे भाई हैं पाकिस्तान में रहने वाली हर कौम जो है वो अपने तरीके से शादी इंजॉय करते हैं, और माशाल्लाह से खान भाई जो है इनका शादी का एंजॉय करने का अंदाज काफी निराला है। और अभी अतन होगा यहाँ पे, तो इंशाल्लाह मैं उस अतन में आपसे मिलूंगा। खुशियों में एक तरह से ये जान डाल देते हैं जब अपना ये रवायती डांस अतन जो है वो ये सेलिब्रेट करते हैं, तो मैं आपको पूरा वो दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और अभी कुछ मेहमान जो है खाना खाने के बाद जा भी रहे हैं, जिनको जरा जल्दी है वो निकल रहे हैं खाना खाने के बाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इस्माइल को ये भाई, इस्माइल भाई और आदिल भाई के लिए कोई एक मैसेज छोड़ना चाहेंगे, उनको मुबारक देना चाहेंगे? बिल्कुल, वो बिल्कुल मुबारकबाद पहले भी दिया था, अभी दोबारा भी दे दूंगा। बेहतरीन खाना भी बनाया था, बेहतरीन बंदोबस्त किया था, उसका वेलकम करता हूँ मैं माशाल्लाह। और आदिल भाई को मुबारकबाद दे शादी की बहुत बहुत, और दुआ लाजमी दे ताकि वो अपनी आने वाली जिंदगी अच्छे से गुजारे और अल्लाह पाक उसको बहुत ज्यादा खुशियां दे। ये जिंदगी पर मैं दुआ करूंगा माशाल्लाह, पर दुआ करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आदिल भाई और इस्माइल भाई के लिए कोई एक अच्छा मैसेज छोड़ना चाहेंगे? माशाल्लाह इस्माइल और आदिल भाई को माशाल्लाह प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए माशाल्लाह। अब्दुल्ला ब्लॉग, अब्दुल्ला ब्लॉग को लाइक और शेयर जरूर करो माशाल्लाह। क्या करोगे शादी पे आके? आपको कैसा फील हो रहा है, खुश हो रहे हो या एंजॉय कर रहे हो शादी, या बस कुछ नहीं? एंजॉय कर रहे हैं यार। अच्छा, और अब्दुल्ला लोग को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज बोल दो।
दिदन पे तलवारा उखड़ा सजाना
अभी बाहर आया हूँ इस वजह से, क्योंकि अंदर म्यूजिक बहुत ही लाउड चल रहा है और उसकी वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक आती है और व्लॉग खराब हो जाते हैं। तो मैं कुछ जो म्यूजिक के दौरान शूट किया उस पर तो लगा लूंगा कुछ ना कुछ जैसे करके भी, लेकिन मैं अपनी कोई भी बात शेयर नहीं कर सकता आपके साथ कॉपीराइट स्ट्राइक आने की वजह से। तो इसलिए मैं बाहर आया हूँ और वहीद भाई और बाकी लोग मेरे ख्याल में जा चुके हैं और मैं अभी बाद में यहाँ से निकलूंगा। ये अभी प्यारे भाई इनसे भी पूछते हैं यात्रा में शामिल होंगे कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हो आप? अभी आप अतन में शामिल होंगे या नहीं होंगे? और शादी में आके आप कितना खुश हो? म्यूजिक बंद हो चुका है लेकिन फिर दोबारा चलेगा तो मैं बाहर चला जाऊंगा। लेकिन इस्माइल भाई जो हैं उनका दिल से थैंक यू, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद और आदिल भाई को भी मुबारक शादी की। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? अच्छा सर, आप आदिल भाई और इस्माइल भाई के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे? बस ये मैसेज है कि माशाल्लाह उनके बहुत अच्छा प्रोग्राम है, खुद उनका रिलेटिव भी हमारा ही प्रोग्राम है माशाल्लाह, और माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है। और आदिल भाई को इस्माइल भाई को मुबारकबाद देना चाहेंगे? जरूर जरूर, अल्लाह उन्हें खुश रखे। बस जो उनकी नई लाइफ शुरू हो रही है सही, अल्लाह ताला उनको बहुत ढेर सारी खुशियां दे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया भाई, जज़ाकअल्लाह। दिदन खे तलवारा उखड़ा हारा सजानान, अब्दुल्ला लोग बहुत अच्छी वीडियो बना के देगा। आदिल को बहुत बहुत शादी मुबारक। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से। आदिल भाई को शादी की मुबारक दें ताकि उन तक ये वीडियो पहुंचे और उनको पता चले कि उनके दोस्त अहबाब जितने आए थे वो कितना खुश गए यहाँ से। बस आदिल को मुबारक मुबारक हो और अल्लाह उसको हमेशा खुश रखे। आमीन। उनकी जिंदगी जो है ना हमेशा आगे तक सही सलामत रखे माशाल्लाह। और अभी आप वापस जा रहे हैं? वापस जा रहा हूँ। अभी अतन में शामिल नहीं होंगे आप? कर लिया जो हुआ। अच्छा, जो चले माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह।
काशिफ काशिफ घर चला गया? जी जी काशिफ भाई घर चले गए। अच्छा, और अभी आप अकेले हैं या कोई और भी आता है? नहीं, हमारी फैमिली के काफी सारे बंदे आए थे लेकिन वो चले गए। अच्छा अच्छा, आदिल भाई के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे? बस आदिल भाई के लिए यही मैसेज है कि अल्लाह उनको जिंदगी में हर खुशी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह पाक उनकी ये शादी उनको मुबारक करे। आमीन। और अल्लाह पाक उनको बहुत अच्छी औलाद से नवाजे। आमीन आमीन। भाई अपनी खुशियाँ किस तरह सेलिब्रेट करते हैं ये भी दिखाया, खाना किस तरह का ये खाते हैं शादी में ये भी दिखाया आपको। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और माशाल्लाह से अभी दूल्हा जो है ये जा रहे हैं और इनसे भी इजाज़त लेते हैं तो फिर निकलते हैं यहाँ से। और अभी आदिल भाई जो है ये निकल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आदिल भाई के लिए मैसेज छोड़ेंगे कोई मुबारकबाद देना चाहेंगे? भैया कैसे हैं आप? तो ये ठीक है आपकी? सर आदिल भाई के लिए कोई एक मैसेज छोड़ना चाहेंगे? बस इस तरीके से खुशी माहौल में रहना, माशाल्लाह के लिए अच्छा। क्या बात है। और ऑन कैमरा ये बात कहना चाहूँगा, बहसियत मेहमान नवाज इस कौम से कोई आगे नहीं है। और ये मैं तीसरी शादी अटेंड कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैसेज बिल्कुल ठीक है। और अस्सलाम वालेकुम सर। सर आदिल भाई और इस्माइल भाई के लिए कोई एक मैसेज छोड़ना चाहेंगे? बस ये है कि अल्लाह ताला इनको लंबी दराज उम्र अता फरमाए। आमीन। आज की जो इनकी शादी थी हमने बड़ा एंजॉय किया, हम इनके करीबी रिश्तेदार हैं, सब इकट्ठे आए थे अल्हम्दुलिल्लाह, सब बरादरी वाले इकट्ठे बैठे हुए थे और सब ने आप डोल किया और म्यूजिक की ताप पर मस्ती की, आपने देख लिया, एंजॉय भी किया आप लोगों ने, बहुत एंजॉय किया। बस ये है कि अल्लाह का बहुत बड़ा करम था, हमारी पूरी बरादरी इसमें शामिल थी, तो इससे बड़ी एहसास की बात क्या हो सकती है आदिल भाई के लिए और इस्माइल के लिए। माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी कवरेज किया, बहुत सारी खुशियां थे आप हमारे सब भाई समेत। आमीन आमीन, खुशियां था फरमाए अल्लाह पाक, आपको भी बहुत सारी खुशियां थे, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। जजाकल्ला। इस्माइल भाई से मिलते हैं और उनसे इजाजत लेते हैं। और हमने तो शादी बहुत ज्यादा एंजॉय की, मैं तो रैंडमली आया था, लेकिन इस्माइल भाई मैं बहुत खुश हुआ इस शादी पे आके, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत एंजॉय किया। और आप अपने छोटे भाई के लिए कोई एक मैसेज छोड़ना चाहेंगे? बस अल्लाह उसको कामयाब करे, अल्लाह उसको खुश करे, अल्लाह हम सब मुसलमानों को भी कामयाब करे। आमीन। बस यही खुशी के दिन थे, अल्लाह ने भाई खुशी नसीब कर दी सब कुछ माशाल्लाह। और अल्लाह पाक इनकी खुशियां इसी तरह सलामत रखे और आप सबकी भी खुशियां जो हैं इसी तरह सलामत रखे। सब मेहमान खाना खा के जा चुके हैं और इस्माइल भाई जिस टेबल पे खाना बचा हुआ था, इनकी मेहमान नवाजी की मैंने जो बात की थी,
बहसियत मेहमान नवाज इस कौम से कोई आगे नहीं है। ये मेहमानों का जूठा भी खाना खा रहे हैं और इन्होंने अपनी परवाह नहीं की, लेकिन मेहमानों को सबसे पहले खिलाया और इंतहाई अच्छा खाना खिलाया। और जज़ाकअल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ। और अभी सबसे पहले तो मेहमान पकवान मीडिया टीम का शुक्रिया कि आप आए हमारे प्रोग्राम को, आपने मतलब वो चार चांद लगा दिए, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। दूसरी बात है कि इस्माइल भाई जैसा है, तो बहुत पहले से मतलब हमारा रिलेशन है, बस यारी दोस्ती है, कारोबारी रिलेशन था, फिर अच्छा अभी तक उठना बैठना हमारा एक साथ में सही। और उसके भाई की शादी थी, तो इसमें ये कि जब उसका उनका भाई तो हमारा भी भाई हो गया, तो हमने मुनासिब ही नहीं समझा कि हम इस्माइल से कम हो, यही समझा कि भाई इस्माइल का भाई तो हमारा भी भाई है। माशाल्लाह खाना भी अच्छा था, एडवर्टाइजिंग में हमारे अपना पकवान की तरफ से आप लोगों जो जायका रखा था बहुत अच्छा था, और माशाल्लाह जैसा हमने सोचा था उससे भी अच्छा निकला, माशाल्लाह। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आदिल भाई को बहुत मुबारकबाद कहते हैं, आदिल भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह आपको नई जिंदगी की शुरुआत नेक और ख्वाहिशात के साथ और अच्छे तमन्नाओं के साथ हो और हमेशा कामयाब व कामरान हो। माशाल्लाह खाना भी बहुत वीआईपी था, शानदार था, अच्छा, और आला क्वालिटी का था, सही, माशाल्लाह बहुत मजा आया, सही, और सारे लोगों को आया, और हम मुबारकबाद भी देते हैं इस्माइल भाई को और उनके भाई आदिल को, माशाल्लाह, उसकी नई जिंदगी का सफर का आगाज अच्छा हो और अल्लाह पाक उसको आने वाली जिंदगी में ढेर सारी खुशियां दे, सारी खुशियां दे, और इससे ज्यादा खुशियां देखना नसीब करे इस्माइल भाई को, इनकी पूरी फैमिली को, सब मेरी ऑडियंस भी दुआ करे इनके लिए। और ये भाई मुझे शुरू में मिले थे और इनके दोस्त हैं बहुत अच्छे, और ये इनकी शादी में जैसे इस्माइल भाई अपने भाई की शादी में खुश थे ना, उतने ही ये खुश थे। और माशाल्लाह से इन्होंने मेहमानों की इतनी खिदमत की, मैंने खुद देख रहा था, वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह ये भाई मेहमानों की खिदमत कर रहे थे, और मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है सर, मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह फिर कभी, और जिंदगी रही तो मुलाकात होती रहेगी। ठीक है, जज़ाकअल्लाह। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, अल्लाह हाफिज़। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करता हूँ। अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत की ढेर सारी खुशियाँ दे, और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। मुझे दें इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और ये अब जा रहे हैं हम अपने घर, ये हम कहते हैं रॉयल गोल्ड बैंक्वेट को अल्लाह हाफिज। तो, और ये जी हमारी गाड़ी आ चुकी है अब, और निकलते हैं अब।